Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum mere pyare aziz doston aur bhaiyon. Dua hai ki aap sab dost ahbab khair khairiyat ke sath honge. To aaj hum aapko ek nihayat hi ghareeb aur ek bewa bhi hai ek dadi amma se hum aapko aaj milwayenge is video mein aur video dekh kar jayenge aur dadi amma ki dukh bari kahani sun kar jayenge. Ho sake to aap is video ko share kijiye taaki inka koi madad kar sake. Jazakallah. अभी हम इन गलियों से गुजर के इन नन्हे बच्चों के साथ हम दादी अम्मा के पास जा रहे हैं और जल्द ही हम दादी अम्मा के पास पहुंचेंगे और आप लोग दादी अम्मा से मिलवाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग दादी अम्मा के घर पहुंच चुके हैं तो अभी हम दादी अम्मा से मुलाकात आप लोगों की करवाएंगे। तो दादी अम्मा से हम पूछेंगे आप अपनी ज़िंदगी यहाँ पर कैसे गुजारे, एक ही कमरा यहाँ पर है, अभी उनसे हम पूछेंगे। और तो दोस्तों अभी हम लोग दादी अम्मा के पास पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं दादी अम्मा का घर। ये घर तो मुझे लग रही है एक ही यहाँ पर कमरा है और यहाँ पर कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग दादी जान के पास जाएंगे और उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर एक ही कमरे में और यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं उनसे। ठीक है ना यार, दोस्तों अभी हम लोग गुजारिश करते हैं कि वो अपने घर खोले और घर के अंदर का नज़ारा हमें दिखाए। अपने स्टाइल में दरवाज़ा खोला तो हम जाते हैं अंदर, आप भी देख लीजिए यहाँ पर कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे जाती जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दादी अम्मा का एक ही कमरे यहाँ पर इस हालत में, इस दौर फितन में दादी अम्मा यहाँ पर कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग दादी अम्मा के पास बैठकर दादी अम्मा से पूछते हैं कि अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें भी बताएं और यहाँ आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे। आवे
Thank you.